बेटा आप लोगों का मैंने जो पत्र का टेस्ट लिया था वो मैं आज डिस्कस कर रही हूं आप लोगों के साथ। आप लोगों ने इररिलेवेंट लिखा है, कुछ लोगों ने, जो मैं बताना चाहती हूँ, आपने उसको ठीक लिखा, अच्छे शब्दों का प्रयोग करने की कोशिश की है हमने, लेकिन हर जगह वो शब्द यूज नहीं हो सकते। जैसे सिफारिश शब्द मैंने आपसे कहा कि अध्यापक ने मुझे नई किताबों की सिफारिश की है, यहाँ सिफारिश शब्द नहीं चलेगा। अध्यापक ने मुझे कुछ चयनित पुस्तकें पढ़ने के लिए कहा है, ओके। उसके बाद एक और मैं पढ़ना चाहती हूँ आपका लिखा हुआ पत्र। जस्ट अ मिनट, ओके। ये है, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है कि आप भी कुशल होंगे। मैं यहाँ पढ़ाई में मग्न हूँ और अपनी कक्षाओं में समय पर उपस्थित होती हूँ। मुझे आपको यह जानकारी देनी है कि मेरी परीक्षा निकट आ रही है, इसलिए मुझे अब उचित तैयारी करनी होगी और उसके लिए मुझे कुछ किताबें खरीदनी है, जिसके लिए मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता होगी। इसमें और पिछले वाले पत्र में क्या कॉमन है? और कुछ नहीं लगा आपको कॉमन? मैं पढ़ाई में मग्न हूं, और कुछ रुपयों की जरूरत है, तो इसको पढ़ के क्या लगा? ये चीटिंग की गई है, एक ने लिखा, दूसरे को भेज दिया, दूसरे ने उसको कॉपी किया। आप ऑनलाइन में यहां पर चीटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन में आपको लगता है कि मैं कैसे भी करके उसको भेज दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम्स जो हैं वो ऑफलाइन होंगे। आप स्कूल आ रहे हैं, स्कूल शुरू हो गए हैं, बाद के जो 2 महीने रीड किए हैं उसमें चीटिंग की हुई है। सो प्लीज अपने आप को देखिए, ठीक से काम कीजिए प्लीज। कुछ लोगों ने टेस्ट दिया ही नहीं, वो और भी बुरी बात है कि आपने टेस्ट ही नहीं दिया। ब्रिजेश, आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया? आप कब घर आए? मैं आप कब घर आए थे बेटा? पहले ओके, एक और पत्र पढ़ रही हूं। बिल्कुल ही बदल दिया, उसका उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं रहा। आपका पत्र का फॉर्मेट था, क्वेश्चन था कि नए सत्र की शुरुआत होने पर आपको रुपयों की जरूरत है नई कक्षा की तैयारी के लिए, ठीक है। आपने भी जो लिखा उसमें एक गड़बड़ है कि अध्यापिका ने सिफारिश की है मुझे वो किताबें पढ़नी है, जबकि नया सत्र शुरू हुआ है, होने जा रहा है नया सेशन, पुराना तो खत्म हो गया, तो हमने वो थोड़ी अब पढ़ना है, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझ के लिखिए। एक ने लिखा है, मैं यहाँ पर कुशल हूँ, आशा है कि आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। आगे के समाचार ये है कि स्कूल में कक्षा सजावट प्रतियोगिता इस रविवार को आयोजित की जानी है, जिसमें हर बच्चे को भाग लेना अनिवार्य है। सजावट करने के लिए हर छात्र के पास पैसे होने जरूरी हैं, तो मेरा निवेदन है कि आप मुझे 500 रुपये कृपया दे दीजिएगा। पहली बात स्पेलिंग एरर्स है, दूसरी बात कि टॉपिक के साथ बिल्कुल ही कुछ भी मैच ही नहीं कर रहा, उसमें कुछ है ही नहीं लिखा हुआ, तो प्लीज ध्यान से उसको पढ़े, ध्यान से अटेम्प्ट करें। हमने राइटिंग स्किल्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, कम प्रैक्टिस नहीं की हमने, तो प्लीज ध्यान से प्रश्न पढ़कर ध्यान से उत्तर लिखना सीखे।
Kindly work on your spellings. Notebooks आप लोग अभी मुझे नहीं भेज रहे हैं चेकिंग के लिए, बहुत सारे लोग लेकर भी नहीं आ रहे। कॉपियां चेक करवाइए ताकि उसमें गलतियां निकले, स्पेलिंग्स के मिस्टेक्स में ठीक कर सकूं, ताकि आपको हेल्प मिले। ओके ईवा, आपको भी अपने स्पेलिंग्स पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ओके इसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि हम नई कविता रिवाइज करेंगे, जो हम पहले कर भी चुके हैं, और मैंने कहा था कि पढ़ के रखिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको उसमें क्या समझ आया था। कविता है खुशबू रखते हैं हाँ, अरुण कमल। आपको कवियों के नाम, लेखकों के नाम जरूर पता होने चाहिए। अरुण कमल जी की लिखी हुई कविता है खुशबू रचते हैं हाँ। क्या पढ़ा था इस कविता में हमने? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज रेज योर हैंड्स एंड टर्न ऑन योर वीडियोस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज रेज योर हैंड्स, कोई बताएगा मुझे कि क्या पढ़ा था इसमें? प्लीज मुझे बताइए इस कविता में आपने क्या पढ़ा था? खुशबू रचते हैं हाथ, किस बारे में है ये कविता? बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा कि मैं आपको कहती रहती हूँ रिवाइज कीजिए, पढ़ के रखिए, मैंने पूछना है, सुनना है, और एक भी हाथ खड़ा नहीं होता। ऐसे कैसे हम करेंगे काम? यस रिधिमा। यस मैम। मैम ये चैप्टर बताया गया है कि जो कि बहुत ही गरीब, सॉरी कविता में बताया गया है कि जो लोग गरीब निवास में रहते हैं, गंदे कूड़े करकट जगहों के पास रहते हैं, वो खुशबू रचते हैं, जगह हर किसी के घर को खुशबू से रचाते हैं, और अगरबत्तियां बनाते हैं। उनके हाथ बहुत ही कटे और फटे होते हैं, पर वो फिर भी बहुत ही खुशी से सबके घर के आंगन में खुशबू रचते हैं, और वो बहुत ही अजीब और बदबूदार वातावरण में रहते हैं। ओके गुड रिधिमा, कोई और? बेटा प्लीज मास्क पहन लो, आप भी। अगरबत्तियों के बारे में बताएं, अगरबत्तियां बनाने वाले लोगों के बारे में बताया है। जो लोग अगरबत्तियां बनाते हैं वे बहुत अपार्थजनक किन स्थितियों से? अपार्थजनक। अपार्थजनक कौन से होते हैं? बुरी, वे बहुत ही बुरी परिस्थितियों से गुजरते हैं। आपने जो शब्द बोला ना आपातजनक, आपातजनक नहीं होता, आपातकालीन होता है, जिसे हम कहते हैं इमरजेंसी। जो आप बोलना चाहते हैं वो है आपत्तिजनक। आपत्तिजनक भी वो होता है जिसपे, जो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ना हो, आपत्तिजनक जिस पर सब लोग आपत्ति करें कि ये ठीक नहीं है, ठीक है। दो शब्द हैं ये, अलग अलग है, इनके मीनिंग अलग अलग है। आप ये कहेंगे कि वे गरीबी भरे जीवन में जीते हैं, घिसे पिटे, बहुत से
तंग गलियों में, जो आपने शब्द बोला ये पंजाबी का शब्द है, कीड़ियां गलियां, ठीक है, हम कहेंगे तंग गलियों में। ओके हाँ जी आर्यन, जो उठ गया कहां से, चलिए इधर जसरूप बैठ जाइए, बैठ जाइए बेटा, बुरी परिस्थितियों में, गंदे वातावरण में, परिस्थितियां गंदी नहीं, वातावरण गंदा, परिस्थितियां बुरी, सभी उम्र के और नहीं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी अगरबत्तियां मनाते हैं। हाँ जी समझ में नहीं आया मुझे क्या कह रहे हैं। हाँ तो आप ये कहेंगे बच्चे बूढ़े औरतें सब अगरबत्तियां बनाते हैं, ठीक है, हम उस पर्टिकुलर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। एनीबॉडी एल्स, मास्क पहन लीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। ओके अब आप इसमें कहेंगे कि खुशबू रचते हैं हाथ कविता, अरुण कमल जी की रचना है जिसमें उन्होंने हमारे समाज में फैली असमानता की बात की है। हमारा समाज असमान है ना, सब लोग अमीर नहीं है और सब गरीब नहीं है, कुछ अमीर है तो बहुत ही अमीर है, कुछ गरीब है तो बहुत ही गरीब है। कविता में कहा था कि कवि ने इसमें छुआछूत की समस्या की बात की है, तो इसमें हम कहेंगे कि कवि ने असमानता की बात की है कि किस प्रकार से समाज में एक ऐसा वर्ग है जो बहुत ही गरीब है। वर्ग मतलब ग्रुप, लोगों का ऐसा ग्रुप है, ऐसा वर्ग है जो बहुत ही गरीब है, जो कि बदबूदार इलाकों में रहता है और दूसरों के लिए खुशबू रचता है। ओके इसमें कवि ने दिखाया है कि लोग स्वयं गंदगी और अभाव में जीवन जीते हैं। मैंने आपसे कहा था कि वे अभाव में जीवन जीते हैं, उनके जीवन में बहुत सी कमियां अभाव में जीवन यापन करते हैं। जीवन यापन का मतलब होता है जीवन व्यतीत करते हैं, बिताते हैं, वे स्वयं अभावों में जीवन व्यतीत करते हैं और अगरबत्ती बनाकर चारों ओर दूसरों के घरों में खुशबू फैलाते हैं, राइट। ये भी आप अकॉर्डिंग टू मार्क्स ही लिखेंगे। कल भी हमने इस बारे में बात की थी कि जितने मार्क्स का आपको क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली आप इसका आंसर लिखेंगे, राइट। इसकी स्टार्टिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो, ओके निकालो कविता। कई गलियों के बीच कई जाइए, कई गलियों के बीच कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इसमें कवि ने बताया कि किस प्रकार से सुगंधित अगरबत्ती बनाने वाले मजदूर नरक भरा जीवन जीते हैं, किसी नरक से कम नहीं है ऐसा जीवन जीते, वे तंग गलियों के बीच में रहते हैं, नाले पार करके उनका घर आता है, कई नाले गुजर कर, कई तंग गलियां गुजर कर, और
कई कूड़े करकटों के ढेरों के बाद खुशबू से फटते जाते इस टोले, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, कि जहां पर इतनी ज्यादा बदबू है कि वहां से निकलना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसे इलाके में ये लोग रहते हैं। खुद नरक से भरा हुआ जीवन जीते हैं ऐसे इलाके में। कैसे इलाके में रहते? तंग गलियां, तंग गलियों के बीच, नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद ऐसे टोले आते हैं जहां पर, जहां से निकलना भी मुश्किल हो जाता है, जहां बदबू ही बदबू फैली होती है, वहां ये लोग रहते हैं और इनके हाथों से खुशबू रची जाती है, यानी कि ये अगरबत्तियां बनाते हैं। और दूसरों के घरों को महकाते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, कैसे हाथ हुए होते हैं? उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की दाल से खुशबूदार हाथ, दाल से मतलब दाल जैसे, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से कटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। उभरी नसों वाले हाथ का क्या अर्थ है? बूढ़े लोग, यानी कि बूढ़े लोग भी अगरबत्तियां बनाते हैं। घिसे नाखूनों वाले हाथ, मेहनती लोगों के हाथ, जो मेहनत करते हैं, जो व्यक्ति मेहनत करता होगा ना उसके नाखून कभी लंबे लंबे नहीं होते, क्योंकि वो घिस जाते हैं काम कर कर, बहुत ही खराब हुए हाथ होंगे, नाखून घिस चुके होंगे। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, पीपल के पत्ते से बच्चों के हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। आपके पास ये कौन सी बुक है? किस बुक से आप पढ़ रही है बेटा, दिखाइए मुझे, अपनी बुक लेकर आया कर। ओके, इसको छोड़ दें, ये एक्स्ट्रा बुक नहीं है, ये हेल्प बुक है, दिस इज हेल्प बुक, इसको छोड़ दो। ओके, क्लास में ये नहीं चलेगी, दूसरी बुक लेकर आइए, ये आप अपने पढ़ने के लिए रखिए, ठीक है, अदरवाइज क्लास में ये बुक। ओके, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, यानी कि जवान लड़कियों के हाथ, जो जूही की कली जैसे है, कोमल खुशबूदार है ना, जवान लड़कियों के हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जो जख्मों से भरे हुए हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, रोगी लोग हैं, जो अधेड़ उम्र के लोग हैं, काम कर करके जिनके हाथ कट फट गए हैं और जख्म हो गए हैं जिनके हाथों में, जो रोगी भी है, हर तरह का व्यक्ति, चाहे स्वस्थ है, चाहे रोगी है, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, हर तरह का व्यक्ति खुशबू रच रहा है। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, मुल्क मतलब देश, इन्हीं गलियों में देश की मशहूर अगरबत्तियां बनती हैं। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां, ये उनकी वो है, खुशबुएं होती है ना, अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, वो बताया है कि इन्हीं गंदे मोहल्लों और गंदे लोगों के द्वारा केवड़े, गुलाब, खस और रात रानी की खुशबू की अगरबत्तियां बनती हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं, कि ये सब लोग इस ऐसे इलाकों में रहते हैं जो बदबू से भरे हुए इलाके हैं, दुनिया के सारी गंदगी वहां पर है और उसी सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू ये हाथ रचते हैं।
क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? नो? क्वेश्चन डिस्कस करें? खुशबू, ये खुशबू होती है बेटा, फूल होता है, खुशबू है, खुशबू के नाम है। ओके, खुशबू रचते हैं हाथ कविता में समाज की किस समस्या को उजागर किया गया है? ओके, और विश्व नहीं, विषम, विषम मतलब कठिन, अभाव। ओके ओके ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? कनिका, आर यू देयर? नो? युगा, अब इसका आंसर देंगे। इस कविता में कवि ने समाज की किस स्थिति का वर्णन किया है या किस समस्या को उजागर किया है? ओके, बताइए। कवि ये बताना चाह रहे हैं कि कई लोग इतनी गंदगी में रहते हैं और गंदी गलियों बस्तियों में रहते हैं जहां का माहौल प्रदूषित होता है। ओके, आगे। और वो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर पूरे देश की गंदगी में ही पूरे देश की खुशबू बनती है और कई तरह के हाथ, घिसे पिटे हाथ, फूल की डाली जैसे हाथ और तरह तरह के हाथ खुशबू रचते हैं और अलग अलग सुगंधों की अगरबत्तियां बनाते हैं। समाज की किस समस्या का वर्णन है योग इसमें? पहले बताया था कि सफाई नहीं होती, गंदगी नहीं रहते हैं। जो हमने ये डिस्कस किया था उसका केंद्रीय भाव क्या है और हमने जो ये पढ़ा, ये सब जो ये डिस्कस किया था कि इसमें समाज में फैली हुई असमानता की बात की है, इस प्रकार से अमीर लोग बहुत अमीर हैं और गरीब बहुत ही गरीब है, गरीब लोग अभाव ग्रस्त जीवन जीते हैं, विषम परिस्थितियों में रहते हैं, लेकिन फिर भी समाज के उच्च वर्ग के लिए खुशबूदार अगरबत्तियां बनाकर उनके घर महकाते हैं। क्लियर? ओके, खुशबू रचते हैं हाथ का क्या मतलब है या उसका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है? खुशबू रचते हैं हाथ, इसका क्या मतलब है? वेरी गुड, जो हम ये बार बार डिस्कस कर रहे हैं वही इसका आंसर। खुशबू रचते हैं हाथ का अर्थ है कि मेहनत करने वाले मजदूर गंदी बस्तियों में रहते हैं और दूसरे लोगों के लिए खुशबूदार अगरबत्तियां अपने हाथों से बनाते हैं। बस पीपल के पत्ते जैसे नए नए हाथ के द्वारा कवि क्या कहना चाहते? पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, हम केवल उसी की बात करेंगे, जूही की कली की बात आएगी नहीं इसमें।
पीपल के पत्ते से नए नए हाथ के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? बैठ। हाँ तो हम कैसे लिखेंगे? बैठ। इसके द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि गरीब वर्ग या मजदूर वर्ग इतना विवश हो जाता है कि छोटे छोटे बच्चों को भी अपने नन्हे कोमल हाथों से अगरबत्तियां बनानी पड़ती हैं। ठीक है, जहां अगरबत्तियां बनती हैं वहां का माहौल कैसा होता है? वेरी गुड। इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, हमें पता है कि वहां का वातावरण कैसा होता है, कैसे इलाके में वो बनती है अगरबत्तियां, वहां का माहौल कैसा होता है, वहां जहां पर अगरबत्तियां बनती है वहां का माहौल बहुत ही बदबूदार और गंदगी भरा होता है। अगरबत्तियां बनाने वाले लोग कूड़े करकट के ढेरों के पास, नालों के पार और तंग गलियों में रहते हैं। That's it. Okay? क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछा जाए, क्वेश्चन की फॉर्म कैसे भी हो, आपने आंसर कविता में ऐसे ही लिखना। ठीक है, आप आंसर उसी में से लिखेंगे। इज इट क्लियर? आपको याद है कि पिछली बार एग्जाम में आप लोगों को पत्र दिया गया था ढाबे पर काम करने वाले और ट्रैफिक लाइट पर खड़े बच्चों की दशा बताते हुए मित्र को पत्र, है ना? वो किस पर बेस्ड था? कविता पर बेस्ड। आपको राइटिंग स्किल्स आपके चैप्टर पर बेस्ड भी पूछी जा सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम टॉपिक से हट जाएंगे और चैप्टर लिखने लगेंगे। हमने लिखना उन्हीं के बारे में है, पर वो बातें ध्यान में रखना। क्लियर? ठीक है, करंट टॉपिक्स देखो क्या है। हम इलेक्शंस के बारे में हमने धर्म की आड़ में पढ़ा था, धर्म के नाम पर लोग दंगे फसाद करते हैं, बहुत कुछ होता है ना। आजकल देखो चुनावों के दिन है ना, जो करंट चल रहा होता है ना उसको जरूर ध्यान में रखकर पढ़ते हैं। राइटिंग स्किल्स उन पर बेस्ड बहुत बार पूछी जाती है, हमारे चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर्स के जो थीम होते हैं उनसे रिलेटेड, जो करंट चल रहा होता है उससे रिलेटेड, या जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो सोसाइटी की उसके बारे में, वो जरूर पढ़ा करो। ठीक है, आपको देखो संवाद भी है, आपको पत्र भी है, अनुच्छेद भी है, नारा लेखन भी है, तो कुछ भी हो सकता है। उन सब बातों को ध्यान में रख के आपने पढ़ना। ओके, इस कविता में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो? ओके, फाइन।